नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारतीय। मोदी के चाणक्य अरुण जेटली की दिलचस्प कहानी। अरुण जेटली राजनेता कैसे बने? देश के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो आइए जानते हैं कैसा रहा मोदी के चाणक्य जेटली का राजनीतिक सफर। पिछले लंबे समय से जेटली बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। बीमारी के चलते उन्होंने 2019 में चुनाव भी नहीं लड़ा था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन में अरुण जेटली केंद्रीय न्याय मंत्री के साथ साथ कई बड़े पदों पर भी आसीन रह चुके हैं। बात करें जेटली के व्यक्तिगत जीवन की, तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1952 को नई दिल्ली में हुआ था। अरुण जेटली के पिता महाराज किशन जेटली वकील हैं। जेटली ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली में ही की है। साल 1973 में उन्होंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया और कॉमर्स में स्नातक किया। 1977 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से विधि की डिग्री प्राप्त की। 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के वे अध्यक्ष भी रहे। 24 मई 1982 को उन्होंने संगीता जेटली से शादी कर ली। उनके दो बच्चे बेटा रोहन और पुत्री सोनाली है। अरुण जेटली ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1991 में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर की। 1999 के आम चुनाव से पहले की अवधि के दौरान वो भाजपा के प्रवक्ता बने। 1999 में भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वाजपेयी सरकार में उन्हें 13 अक्टूबर 1999 को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया गया था। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में राम जेठमलानी के इस्तीफे के बाद जेटली ने 23 जुलाई 2000 को कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। 1 जुलाई 2002 से मार्च 2001 तक उन्होंने नौवहन मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला। सितंबर 2001 से 29 जुलाई 2002 तक सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट में रहे। जनवरी 2003 सदस्य गृह कार्य संबंधी समिति सदस्य, विदेश मामलों संबंधी समिति में रहे। जनवरी 2003 से विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और 21 मई 2004 को उद्योग मंत्री बने। अगस्त 2004 से सदस्य वाणिज्य संबंधी समिति सदस्य विशेषाधिकार समिति में रहे। वहीं अक्टूबर 2004 से सदस्य गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में रहे। जनवरी 2006 के सदस्य भारतीय विश्व कार्य परिषद में रहे। 2006 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। अगस्त 2006 से सदस्य लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और कानूनी स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य बने। 3 जून 2009 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से आई मोदी सरकार में जेटली को वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।